नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में खास इजाफा नजर आ रहा है। यूपी के तमाम जनपद और शहरों से आए दिन सड़क हादसे की घटना सामने आ रही है। रोड एक्सीडेंट की घटना पर रोकथाम के लिए जनपद महोबा का उपसंभागीय परिवहन विभाग खास जागरूक नजर आ रहा है। परिवहन विभाग द्वारा तमाम तरह के अभियान चलाकर जनता को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मुख्यालय के उपसंभागीय परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी जनता को दी जा रही है। यातायात नियमों का पालन न करने वालों के जहां एक और चालान काटकर ठोस कार्रवाई की जा रही, तो वहीं ARTO सुरेश वर्मा की अगर माने तो ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामले ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत सामने आते हैं, जिसमें जान माल का खतरा बना रहता है। उन्होंने आवाम को आगाह करते हुए नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने की अपील की है। सुरेश वर्मा की माने तो आजकल के नौजवान द्वारा ओवर स्पीड के नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिसके चलते भी सड़क दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। ज्यादातर लोगों को हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए ताकि जान माल के खतरे से बचा जा सके। इसी के साथ ही चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाना चाहिए ताकि जान की सुरक्षा बनी रहे। जो पब्लिक से तो हम लोग लगातार अपील करते हैं और हम लोगों के समय समय पर बहुत सारे अभियान चलते रहते हैं। रोड सेफ्टी मंथ भी होता है, रोड सेफ्टी वीक भी होते हैं और अभी 2 अक्टूबर को विशेष गांधी जी की जयंती के अवसर पर विशेष सड़क सुरक्षा डे मनाया गया। पब्लिक से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं और जो पीछे सवारी बैठे वो भी हेलमेट लगाए। अगर आप 4-व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाएं, नशे की हालत में न चलाएं। और तमाम सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनके गार्जियंस उनको अच्छी अच्छी बाइक दे देते हैं, स्पीड की बाइकें देते हैं, जो जिगजैग करके चलाते हैं, ये भी अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरनाक है। और हमें अगर कहीं टर्न है रोड पे तो उसका भी ध्यान देना है कि टर्न के समय हमें अपनी गाड़ी को स्लो करना है, अपनी लेन में चलना है, रॉन्ग साइड में नहीं चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जो हमारे युवा हैं, मेनली 15 साल से ले कर 45 साल के बच्चे, तमाम इस वर्ग के लोग ही एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, वो भी 70% लोग। तो सभी की जिम्मेदारी है, हमारी, आपकी, गार्जियन की, सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जागरूक करें। और हमारी तो अपील ही है, हमारा विभाग सारे और विभागों से मिल के बीच बीच में अभियान चलाते रहते हैं कि जिससे कि जान हान की, जान माल की कम से कम नुकसान हो और देश का जितना ज़्यादा हमारा इस पे समय और हमारा पैसा बर्बाद होता है उस पर भी रोक लगे। जैसे कि एक सर्वे में ये आया है कि 1.5 लाख से ज़्यादा हर साल लोग केवल इसके शिकार होते हैं, रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। ये तो वहाँ एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या है, यानी किसी बीमारी से एक साल में मरने वालों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। और इस पे हमारा शासन, प्रशासन, सरकार सभी बहुत गंभीर हैं और लगातार नियमित रूप से अभियान चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। और जहाँ तक चालान की कार्रवाई है, वो हम लोग चालान भी करते रहते हैं, चालान के समय चालान से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हैं।